अय्यूब 39वां बाब। क्या तू जानता है पहाड़ की जंगली बकरियां कब बच्चे देती हैं, या जब हरनियां ब्याती हैं तो क्या तू देख सकता है? क्या तू उन महीनों को जिन्हें वो पूरा करती हैं गिन सकता है, या तुझे वो वक्त मालूम है जब वो बच्चे देती हैं? वो झुक जाती हैं, वो अपने बच्चे देती हैं और अपने दर्द से रिहाई पाती हैं। उनके बच्चे मोटे ताजा होते हैं, वो खुले मैदान में भरते हैं, वो निकल जाते हैं और फिर नहीं लौटते। गोरखर को किसने आजाद किया, जंगली गधे के बंद किसने खोले? बियाबान को मैंने उसका मकान बनाया और जमीन शोर को उसका मस्कन। वो शहर के शोरगुल को हीच समझता है, वो हांकने वाले की डांट को नहीं सुनता। पहाड़ों का सिलसिला उसकी चरागाह है और वो हरियाली की तलाश में रहता है। क्या जंगली सांड तेरी खिदमत पर राजी होगा? क्या वो तेरी चरनी के पास रहेगा? क्या तू जंगली सांड को रस्से से बांधकर रेघारी में चला सकता है, या वो तेरे पीछे पीछे वादियों में हींगा फिरेगा? क्या तू उसकी बड़ी ताकत के सबब से उस पर भरोसा करेगा, या क्या तू अपना काम उस पर छोड़ देगा? क्या तू उस पर एतमाद करेगा कि वो तेरा गल्ला घर ले आए और तेरे खलियान का अनाज इकट्ठा करे? शुतर मुर्ख के बाजू आसूदा हैं, लेकिन क्या उसके परोबाल से शफकत जाहिर होती है? क्योंकि वो तो अपने अंडे जमीन पर छोड़ देती है और रेत से उनको गर्मी पहुंचाती है और भूल जाती है कि वो पांव से कुचले जाएंगे, या कोई जंगली जानवर उनको रौंद डालेगा। वो अपने बच्चों से ऐसी सख्त दिली करती है कि गोया वो उसके नहीं। खा उसकी मेहनत रायगां जाए, उसे कुछ खौफ नहीं, क्योंकि खुदा ने उसे अकल से महरूम रखा और उसे समझ नहीं दी। जब वो तनकर सीधी खड़ी हो जाती है तो घोड़े और उसके सवार दोनों को नाचीज समझती है। क्या घोड़े को उसका जोर तूने दिया है? क्या उसकी गर्दन को लहराती अयाल से तूने मुलव्वस किया है? क्या उसे टिड्डी की तरह तूने खुदाया है? उसके फराने की शान मुहीब है। वो वादी में टाप मारता है और अपने जोर में खुश है। वो मुसल्ला आदमियों का सामना करने को निकलता है, वो खौफ को नाचीज जानता है और घबराता नहीं, और वो तलवार से मुंह नहीं मोड़ता। तरकश उस पर खड़खड़ाता है, चमकता हुआ भाला और सांग भी। वो तुंधी और कहर में जमीन पैमाई करता है और उसे यकीन नहीं होता कि ये तुराही की आवाज है। जब जब तुराही बजती है वो हन हन करता है और लड़ाई को दूर से सूंघ लेता है, सरदारों की गर्ज और ललकार को भी। क्या बाज तेरी हिकमत से उड़ता है और जनूब की तरफ अपने बाजू फैलाता है? क्या ओकाब तेरे हुक्म से ऊपर चढ़ता है और बुलंदी पर अपना घोंसला बनाता है? वो चट्टान पर रहता और वहीं बसेरा करता है, यानी चट्टान की चोटी पर और पनाह की जगह में, वहीं से वो शिकार ताड़ लेता है। उसकी आंखें उसे दूर से देख लेती हैं, उसके बच्चे भी खून चूसते हैं, और जहां मकतूल हैं वहां वो भी है।